ये कहाँ पे आ रहा है? ये बिस्मिल्लाह माँ सदके जाए, इधर तो आओ, भाग भाग के आ रहा है, इधर आओ, इधर आओ, नहीं हल्के जो लाते थे ना लाके तोड़ दिया। तो यहाँ पे जी बाजार बंद हो गया और हम लेट है, तो हम भी जा रहे हैं, टाइम हो गया वैसे 10:30 का, बस आप देख लें, अब इस टाइम में होती हूँ फारग, फिर घर जगह जो काम करने। तो जी यहाँ पे बनेंगे मूली वाले परांठे, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मुझे यही सही लग रहे थे क्योंकि मैं कल लेके आई थी। तो ये मूली छिलदे देखो, जिंदगी से तुझे आज ही मूली छिलदे नहीं देखे, वो जरे वो छिलदे ने, वो कहना छिलदे ने प्रोफेशनल खंजे रखे हैं इन्होंने, अब प्रोफेशनल तरीके ना छिल रहा। यहाँ पे कमेंट्स है जी, अदीला आसिम का कमेंट है जी, उन्होंने बोला जी आइडियल कपल, मेरी भी ख्वाहिश है कि हमारा भी कपल इस तरह का हो, जो आमीन जी इंशाल्लाह इसी तरह का होगा, इससे हमारे से भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सभी फ्रेंड्स ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह, कामरा भी ठीक है, बच्चे भी ठीक हैं, अल्लाह पाक सबको ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता और मुस्कुराता रखे अपनी फैमिली के साथ, अल्लाह पाक सबके दिल की ख्वाहिश पूरी करे, जो लोग परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर करे, जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती और शफा दे, जो लोग भी औलाद हैं अल्लाह पाक उनको प्यारी सी औलाद से नवाजे, जो बेटी की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह पाक उनको बेटी दे, जो बेटे की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह पाक उनको बेटा दे, अल्लाह पाक सबके दिल की ख्वाहिश पूरी करे, आमीन। जो लोग कारोबार से परेशान हैं अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकत दे, जो लोग बच्चे और बच्चों के रिश्तों से परेशान हैं अल्लाह पाक सब बच्चे के नसीब अच्छे करे और सब बच्चों के मुकद्दर अच्छे करे, आमीन। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फरदौस में अला मुकाम अता फरमाए, मेरी यार फैमिली के लिए लव यू, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक सबको खुश आबाद हंसता और मुस्कुराता रखे, अपनी हिफाजत में रखे। और मैंने कमेंट्स पढ़ाया, अंजुम अहमद कह रही है कि सैम मिर्ज़ा आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का और मोहब्बत का, माशाल्लाह कि आप हमारे लिए दुआ करती हैं, मतलब कि सबके लिए दुआ करती हैं, बे औलाद के लिए करती हैं, रिज़्क़ के लिए करती हैं, कारोबार के लिए करती हैं, आपका दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी अंजुम आपका भी और थैंक यू जी सैम मिर्ज़ा आपका भी जी। फ्रेंड यहाँ मैं बना रही हूँ चाय, चाय बना के ना तो मैं डालूँगी थर्मस में, तो वहाँ पर जाके पी लेंगे सलोन में, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई इसलिए ना चाय उधर जाके पी लेंगे आराम से। यहाँ पे चाय हो गई है मेरी रेडी, कामर कहते हैं कि बच्चों के साथ पी के जाते हैं, तो मैंने कहा चले ठीक हो गया, इसका हम उतार लेते हैं, कप में डाल लेते हैं। यहाँ पे जी मैं डालने वाली हूँ चाय, इधर भी करो यान, नीचे गई है, वो गिर गया नीचे, चलो कोई बात नहीं, इधर करो इधर करो, आ यहाँ लगाओ मेरे साथ, यहाँ तेरे साथ सर तेरा कसूर है, इधर हाथ उसे कब में कर। ये ले जी हमारी चाय तो हो गई है रेडी, आजे इसने पीनी, खुशबू आनी नहीं है, मम्मा ने बनाई है, इधर करना मुँह अपना खुशबू वाला। तो यहाँ पे जी हमारा नाश्ता है, आज क्या है, आज नाश्ते में चाय रस, जनाब भी बैठे हैं यहाँ पे चाय रस का नाश्ता, आज आप भी हमारे साथ नाश्ता कर ले, जब आप सुबह देखेंगे ना व्लॉग वो नाश्ते का टाइम ही होना है, तो फिर आप नाश्ता करेंगे। चलो जी हम तो अब जा रहे हैं, हमारी गली देख सकते हैं कितनी साफ है, यहाँ पे ना लोग भी अच्छे हैं मोहल्ले में ना हमारे, मैं दसा नहीं हूँ अपनी फ्रेंड अपनी गली दसनी भी हाँ कि साड़ी गली है, लोग भी अच्छे है, मोहल्ला भी अच्छा है, हम अभी चले हैं, फ्रेंड्स ने मिली हो खाला मिल ली हूँ मैं, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है शहजादी? आपी का शहजादी का कह रही है कि मेरी प्यारी आपी, मेरी प्यारी सिस्टर, मेरी शहजादी काकी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है माशाल्लाह, ओ मां सदके, यहाँ पे सरप्राइज हो गया,
इधर तो आओ, इधर तो आओ, भागे खाए तो आज तो आज क्या हाल आए थे, आज तो बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया आपने कुछ शॉप पे। ये कहाँ पे आ रहा है ये कुछ मिला माँ सदके जाए, इधर तो आओ भाग भाग के आ रहा है, आज आओ इधर तो आओ, नहीं हल्के जो लाते थे ना ला के तोड़ दिया। यहाँ पे जी मूसा आ गया, फ्रेंड्स को बाय बाय करो, बाय बाय मूसा, चलो बाय बाय। क्या अब बड़ी मम्मा को मिले आयो, करो भी भाई मम्मा की पारी मीठी करो, हाँ मैं छिदके जाओ हमें जिद के जाऊ, माशाल्लाह रौनक लगी है। क्या खाना मेरे प्यारे बच्चों ने, क्या खाना है बताओ, कुछ तो कुछ कुछ तो खाना ही है, मैंने कुछ खाया लच, मैं भी खाया, मैं भी लच खा के आई, आज मैं भी लच खा के आई हूँ। तो जी फ्रेंड यहाँ पे मुझे कमेंट आया जी, उमला वकार का कह रही है कि माशाल्लाह जी बहुत अच्छा व्लॉग होता है आपका और माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको नजरबाज से बचाए इंशाल्लाह। मैं सऊदी अरेबिया में हूँ इंशाल्लाह जी, मैं बहुत जल्द पाकिस्तान आ रही हूँ तो इंशाल्लाह मैं मिलूंगी। तो मोस्ट वेलकम उमला, आपके प्यार का और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, लव यू हो गया आपके लिए बहुत सारा। तो जी फ्रेंड यहाँ पे मैंने मंगवा लिए दही भले, गेस्ट आ गए थे तो फिर उनके लिए हमने पीनट मंगवाई, दही भले मंगवाए, वो खा रहे थे अभी गए हैं और माशाल्लाह हमारे सारे व्लॉग देखते हैं, सारी वीडियोज़ देखते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा उनके साथ बैठ के बात की। तो काफ़ी टाइम हो गया, मैं अपनी शेयर किया क्या उनके प्यारे प्यारे कमेंट्स नहीं पढ़ पाई, तो अब बस कामरा साहब गए हैं भाई उनको उनके साथ किसी काम से, तो मैं अब हो गई हूँ फ्री, तो मैं अब पढ़ती हूँ कमेंट्स, कामरन का वेट करती हूँ, तब तक मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, तब तक दही भले भी खा लेती हूँ जो कि मैंने मंगवाए हैं, बड़े मज़ेदार हैं, स्पाइसी हैं, तो जिसने खाने हैं तो मेरे साथ आ जाएँ, शेयर कर ले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मज़ेदार है वैसे। तो जी फ्रेंड यहाँ पे मैं कमेंट्स पा रही थी, जन्नत का कमेंट्स आया होता है, जन्नत कह रही है कि माशाल्लाह भी अल्लाह पाक आपको नजरबंद से बचाए, माशाल्लाह कामना भाई आप दोनों का प्यार ऐसे ही सलामत रखे, माशाल्लाह आपकी हर रेसिपी बहुत अच्छी होती है और जितनी भी रेसिपी होती है ना माशाल्लाह कमाल की होती है, और आपने रमज़ान में भी अच्छी अच्छी रेसिपी देनी है, हम ज़रूर ट्राई करेंगे, बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे जी इंशाल्लाह, ज़रूर क्यों नहीं। आपके चाहत का प्यार का मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, लव यू आपके लिए बहुत सारा जन्नत। शारिया समी मेरी प्यारी सिस्टर कह रही है कि माशाल्लाह आप भी आपकी हर रेसिपी बहुत अच्छी होती है और आप बहुत प्यारी लग रही हैं, थैंक यू शारिया समी, ये तो आपका प्यार है और मोहब्बत है माशाल्लाह, अल्लाह पाक आप दोनों का प्यार ऐसे ही सलामत रखे, थैंक यू शारिया समी, लव यू आपके लिए बहुत सारा। और यहाँ पर मुझे कमेंट्स आया जी अली त्योहर का कि माशाल्लाह कह रही है, अली द हीरो का कमेंट आ रहा कि आप भी कह रही हैं कि जब कोई मेहमान घर आए तो ऐसे नहीं कहते, वैसे ही मेरा और मुन्ना भाई का मजाक है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छी मेहमानवाजी करते हैं, और थैंक यू मेरी प्यारी बहना, अल्लाह पाक आपको भी खुशबाद हंसता मुस्कराता रखे। मुन्ना भाई या छोटी सिस्टर है माशाल्लाह वो डेली आते हैं और उनके साथ हमारा मजाक भी चलता है, हमारा वैसे हम इंजॉय कर रहे थे माशाल्लाह, हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारे घर गेस्ट आ जाए ना तो हम उनको दिल से वेलकम करते हैं और दिल से जो हम खुद खाते हैं ना मतलब वही हम उनको खिलाते हैं, ठीक है। बाकी लव यू आपके लिए बहुत सारा प्यार, मैंने आपकी माइंड बात का बिल्कुल नहीं माइंड किया, माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी बहन है मेरी माशाल्लाह। और यहाँ पे मेरा गोला मोला आ गया है मम्मा के लिए, पीनट लेके आया, पहले भी पीनट लेके आया था, बड़ी मज़ेदार थी, तो वो फिर हमारे पास गेस्ट आया हुआ था, लोग कहते हैं भाई को सही चीज़ देनी है, अगर आप चीज़ तो देते नहीं है, हाय हाय। अब तुम खाओ ना बैठ के उधर, मैं यहाँ पे प्यारी फैमिली के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ो, अगर उन्हें पीनट खानी शुरू कर दी ना तो वो मैंने पहले ही खाई है तो फिर मैंने बंद नहीं की, तो मैं सोच रही हूँ जब तक कामरा साहब नहीं आते तब तक प्यारी प्यारी फैमिली के प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। बुशरा का कमेंट आया जी, दोनों की मर्जी, हाँ बिल्कुल जी दोनों की मर्जी हो फिर काम अच्छा होता है, कामरा कहते हैं आपकी मर्जी, मैं कहती हूँ आपकी मर्जी, फिर ये कि दोनों की मर्जी बन जाती है। तो कह रही है कि माशाल्लाह मेरी सिस्टर बहुत प्यारी लग रही है और माशाल्लाह फिश बहुत मज़ेदार बनी थी, थैंक यू मेरी प्यारी बहन बुशरा, लव यू आपके लिए बहुत सारा आती है, थैंक यू शहजादी, बड़ी प्यारी करती है, बड़ी कमेंट्स करती है और मेरे लिए बड़ी फिक्रमंद होती है, बड़ी दुआएं करती है, अल्लाह पाक मेरी प्यारी सिस्टर की मेडिसिन छूट जाए, अल्लाह पाक मेरी प्यारी बहन को सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन आमीन आमीन, आपकी सारी दुआओं पे आमीन माशाल्लाह। मेरी मुझे इतना अच्छा लगता है कि मुझे इतना प्यार करती है मेरी प्यारी फैमिली। और बबली फैसल वगैरह मेरा कमेंट आया कि माशाल्लाह भी आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती हैं और माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं और आपको अल्लाह पाक हंसता और मुस्कुराता रखे, इसी तरह खुश रहें आबाद रहें, थैंक यू बहुत शुक्रिया, लव यू आपके लिए बबली फैसल।
अब ऐसा किचन का कमेंट था, फर्स्ट कमेंट था, तो मैंने इनके स्क्रीनशॉट लिए हुए थे कि मैंने इनके नाम पहले लेने हैं, लेकिन हादिया किचन मेरी प्यारी बहन है, मेरी जान, आप मुझे इतना प्यार करती हैं और मेरे लिए इतनी फिक्रमंद होती है। जिस दिन मैं अम्मी को याद करके रो रही थी तो मेरी प्यारी बहन भी परेशान हो गई, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। मेरी जान मुझे पता है मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं और मेरे लिए बहुत फिक्रमंद होती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे कितना प्यार करती है मेरी प्यारी फैमिली। हादिया किचन लव यू मेरी प्यारी बहन, अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे। और माशाल्लाह आप बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, मैंने आपकी कुकिंग चैनल देखा है माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको और तरक्की दे, आमीन आमीन। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता रखे और मुस्कुराता रखे। थैंक यू मेरी प्यारी बहन मेरे लिए इतनी फिक्रमंद होने के लिए। यहाँ पे जी बुशा का कमेंट आया मेरी प्यारी बहन का, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, ड्रेस बहुत अच्छा वेयर किया हुआ है। थैंक यू मेरी प्यारी बहन, लव यू आपके लिए बहुत सारा। और कह रही है कि माशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, कम खर्चे में और रेसिपी भी अच्छी होती है, तो माशाल्लाह थैंक यू मेरी बुशरा शहजादी, लव यू आपके लिए बहुत सारा। रेसिपी मेरी ट्राई किया करें, मुझे कमेंट्स किया करें, मुझे बताया करें। और मुझे किसी मेरी प्यारी बहन ने बोला है कि आप ही वो ना हलवा कद्दू का जो है ना उसकी रेसिपी बता दें, इंशाल्लाह उसकी भी रेसिपी बनाऊँगी, बताऊँगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और जो जो भी मुझे कोई रेसिपी बताएगा इंशाल्लाह मैं वो लाजमी आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक हो गया। मिसिज खान कलसूम का कमेंट आया था कि आप ही आप रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, आप हंसती हुई और मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हैं। थैंक यू मेरी प्यारी बहना, मैं तो हंसती ही रहती हूँ। बस उस दिन मुझे अम्मी की याद आ गई, फिर मेरी अम्मी से बात हुई काफ़ी देर तक, भाभी से, भाई से, और मेरे भाई ठीक नहीं थे। मुझे पता नहीं उस दिन कैसे खिंचाव सा पा रहा था मेरे दिल को कि पता नहीं कोई बात है, मेरा दिल कर रहा है बात करूँ। तो जिस दिन मैंने अम्मी से बात की थी कॉल पर, फिर मुझे मम्मी ने बताया कि भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, 3-4 दिन पहले भाई चक्कर खा के तो गिर गए थे, तो मतलब कि अल्लाह का शुक्र है बच बचा था, हो गया, लेकिन भाई का बुखार बहुत तेज़ था। तो सब ने मेरे भाई के लिए दुआ करनी है, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे भाई के लिए दुआ करनी है सब ने स्पेशली। तो मेरे भाई का नाम है खालिद, हमने उनका नाम लेके उनके लिए दिल से दुआ करनी, जब आप नमाज़ पढ़ेंगे ना तो मेरे भाई के लिए भी दुआ करनी है। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती शफा दे, लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। तो लव यू मेरी प्यारी बहना। रेहान रेहान का कमेंट आया जी, माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम आपी, वालेकुम अस्सलाम रेहान रेहान, माशाल्लाह जी बहुत प्यारे कमेंट्स होते हैं। सुंदर साजिद, थैंक यू, लव यू प्यारी बहना, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश आबाद हंसता मुस्कुराता रखे। मुझे कमेंट आया जी उस्मान शेख का, माशाल्लाह जी अस्सलाम वालेकुम, भाभी आप बहुत अच्छी हैं लेकिन आपके शहर के जो लोग हैं वो बेवफा हैं, क्या किया है आपसे बेवफाई, हज़रा हमें भी तो पता चले। तो माशाल्लाह जी आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे तो अच्छी बोला था, बाकी कह रहा है इंशाल्लाह वो भी अच्छे हैं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने आपके साथ क्या बेवफाई की है। यहाँ पे मुझे कमेंट आया जी नेहा का, नेहा कह रही है कि अल्लाह पाक आपको बुरी नज़र से बचाए, माशाल्लाह जी आपकी जोड़ी बहुत प्यारी है, आमीन आमीन। थैंक यू नेहा, ये आपका प्यार है और आपकी मोहब्बत है, उसका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मुझे कमेंट आया जी फैसल भट्ट का, कह रही है कि आप ही मैं आपकी पिछली वीडियो पे कमेंट नहीं कर पाई, तो इस वक्त मेरी जान कोई मसला नहीं है यार, आप मुझे देखती हैं प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं, मेरे लिए खुश होती हैं, दुआएं करती हैं, आपके प्यार का और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया फैसल भट्ट, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश आबाद रखता और मुस्कुराता रखे। यहाँ पे मुझे कमेंट आया जी सिद्रा होम का, माशाल्लाह कह रही है कि आप ही माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं मेरी सोनी शहजादी, थैंक यू मेरी प्यारी शहजादी, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, कह रही है नजर बस आपको अल्लाह पाक बचाए, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश होबा रखता और मुस्कुराता रखे। थैंक यू मेरी प्यारी बहन, लव यू आपके लिए बहुत सारा। यहाँ पे ये देखिए जी हीरो साहब आ गए हैं और यहाँ पे जी अब खाना शुरू हो गया पीनट, तो अब इन्होंने पीनट खानी है, मज़ेदार आ रहा है वैसे यहाँ पीनट तो अच्छी, हाँ इसलिए मुझे कह रहा है मम्मा मंगवा लो मुझसे मंगवा लो, मैंने कहा मैंने जाते हुए लेनी है, मंगवा लो मुझसे मैं अच्छी लेके आऊँगा, वाकई अच्छी है, ये कलर से मैंने भी खाई थी वैसे मज़ेदार थी, मैंने भी खाई थी। हुमा किचन कह रही है सुभान सो क्यूट, थैंक यू हुमा किचन, ये आपका प्यार है और आपकी मोहब्बत है, आपका बहुत शुक्रिया, लव यू आपके लिए बहुत सारा। यहाँ पे मुझे कमेंट आया जी अंजू महमद का, कह रही है मेरी शहजादी सिस्टर माशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, मज़ेदार होती है, अल्लाह पाक नजर बात से बचाए, आपका भी लोग देख के मेरी सारी थकान दूर हो जाती है, मेरी प्यारी बहना अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश आबाद हंसता मुस्कुराता रखे। और जैनब तो ये मेरी प्यारी बहना माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजर बात से बचाए, अल्लाह पाक आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। थैंक यू जैनब तैयब, ये आपका प्यार है और मोहब्बत है, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ पे कमेंट आया जी राबिया चौधरी का, उन्होंने मुझे कमेंट किया हुआ कि आप ही
मेरी मामा के लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक उनको जन्नत अल-फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन जी आमीन। अल्लाह पाक आपकी मामा को जन्नत अल-फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मेरी मुझे आप अपनी मामा जैसी लगती हैं जी, हूँ क्यों नहीं, तो मैं भी आपकी मामा जैसी ही हूँ, आप मुझे मामा बोल सकती हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा। मेरी बेटी कोई नहीं, आप मेरी बेटी बन जाओ। अल्लाह पाक आपकी मामा को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको सब्र अता फरमाए। मुझे बड़ा दुख हुआ सुन के ना कि आपकी मम्मा नहीं है, तो आपको पता कि जब बच्चियों की मम्मा नहीं होती तो उनके बगैर की ज़िंदगी नहीं होती। मतलब जो अपनी हर बात मेरी मम्मा से शेयर करती हैं, मैं आप मेरे साथ शेयर कर लिया करें, मैं भी आपकी मम्मा जैसी ही हूँ। यहाँ पे मुझे कमेंट आया था इकरा जुमान का, उन्होंने बोला था कि आप ही पेठे का हलवा बनाना सिखाएं, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊँगी। वैसे बड़ा टेस्टी और मज़े का बनता है, और इंशाल्लाह मैं आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो जल्दी इंशाल्लाह, ज़ारा मौसम सर्दी का मौसम है, तो सर्दियों वाले मौसम में मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगी। शाजिया समी ने मुझे सूप का भी बोला था, वो भी मैंने बनाना। बस यहाँ पे इतना टाइम हो जाता है घर जाके, पता फिर कितना सारा काम करने वाला होता है जो मैंने करना होता है, जो मैंने इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंशाल्लाह मैं रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पे मुझे कमेंट आया जी सद्दफ अदील का, और है गुजरा वाला से। मेरी प्यारी बहन कह रही है कि मुझे आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती हैं, आपका कपल बहुत प्यारा है, मैं सदके जाऊँ मैं वाड़ी जाऊँ। थैंक यू सद्दफ अदील, ये आपका प्यार है और मोहब्बत है वो पता कहाँ से है, गुजरा वाला से, मेरी सिटी से है, और वह मुझे इतना प्यार करते हैं हम दोनों को। और हाँ मैं आऊँगी इंशाल्लाह, मैं मिलूँगी जो जो गुजरा वाला से है इंशाल्लाह। मैंने इस बार प्लान किया हुआ है, मैं पिछली दफ़ा भी गई थी तो मैं नहीं मिल सकी ना, और इस बार हमने प्लान किया हुआ है कि मैं हम जो अपनी फैमिली को इंशाल्लाह जो गुजरांवाला में रहते हैं ना, हम उनको इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे। हाँ जी मिलना, मैं भी साथ आऊंगा। तुझे तो नहीं, तू के तूने कल की बात हुई है ना यहाँ के साथ, ऐसी वीडियो पहले दस के आवेंगे मखसूस जगह कैसी होते आना है। हाँ उत्ते फिर सारी फैमिली जेडे भी गुजरांवाले दे होंगे जी। अगर यहाँ पे कमेंट आया है मिसिज हुसैन का, कह रही है कि सुबहान है ही क्यूट, तो जी आपका बच्चा या आप तो आपको तो क्यूट लगना ही लगना है माशाल्लाह। थैंक यू मेरी शहजादी बहन, अल्लाह पाक आपको भी हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, ऐसा और मुस्कुराता रखे। यहाँ पे कमेंट आया जी होम शेफ लोग, और उन्होंने बोला हुआ कि स्पेशली हमें आप ही मेरा हमने नाम लेना है सैमा और मीरब, हम आपके व्लॉग का रेसिपी का इंतज़ार कर रहे थे, माशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, तो आपके प्यार का और मोहब्बत का मीरब और सहमा बहुत शुक्रिया, लव यू आपके लिए बहुत सारा, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसा और मुस्कुराता रखे, आमीन। नाबिया बाबर का कमेंट आ गया कि आप दोनों को देखने के लिए लव यू हो गया, लव यू टू हो गया। नाबिया लव यू शहजादी, अल्लाह पाक आपका खुश आबाद रखे, ऐसा मुस्कुराता रखे। आज मैंने इसलिए सबके नाम ले लिए हैं कि मैंने कुछ स्क्रीन शॉट भी लिए हुए थे, फिर मेरा कुछ इतना लंबा भी लोग हो जाता, कुछ सुबह हो जाती है, काफ़ी लेट हो जाता है, तो मैंने कहा कि मैं जो मेरी प्यारी फैमिली है ना वो मुझसे नाराज़ ना हो जाए कि आस पापी ने हमारे नाम नहीं लिए, तो इसलिए मैंने ना जल्दी जल्दी आपके नाम ले लिए हैं, अगर फिर रह जाएगा ना तो फिर परेशान नहीं होना, उनके भी मैं ले लूँगी इंशाल्लाह। यहाँ पे मुझे कमेंट आया यूनस खान का, और उन्होंने कहा कि आप ये माशाल्लाह आपकी वीडियोज़ आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू जी यूनस खान, ये आपका प्यार है और आपकी मोहब्बत है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मुझे कमेंट आया जी अरम वसीम का, लव यू आपकी और कामरान ब्रदर, वेरी नाइस, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अरम वसीम आपके प्यार का और मोहब्बत का, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जी बाजार बंद हो गया और हम भी जा रहे हैं, टाइम हो गया वैसे 10:30 का, बस आप देख लें अब इस टाइम होती हूँ फारग, फिर घर जगह जो काम करने यहाँ पे हम लेने आए हैं दही, वो मुंडा कूड़ा नहीं करने वाला यार, नहीं नहीं यही ले लेते हैं, यही ले रहे हो, टेंशन आज कूड़ा ना खोल दे मेहरबानी है। क्या हाल है काके, पापा के पास बैठे हुए हो, चलो यहाँ से हम दही ले लेते हैं पहले अच्छा सा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, देख कैसे भाग भाग के आई है। हाँ जी क्या हाल है सुबान, वही सुबान कहाँ भाग रहे हो, कहाँ जा रहे हो जी। फ्रेंड्स फाइनली हम पहुँच गए घर, क्या बनेगा जी यहाँ पे, मैंने सोचा हुआ था कि मैं बनाती हूँ इनके लिए मूली कटे वाले पराठे, लेकिन ये इन्होंने पीनी है चाय, तो जी इनके लिए चाय बना लेते हैं ध्यान साथ में। अंडा बंद भी है और अंडा ब्रेड भी है, अंडा बंद, अंडा बंद है हाँ, लेकिन
और चीनी जमा जल्दी हो ना फिर मैसेज करती हूँ कि चाय बड़ी जल्दी बन जानी है। फिर आ गए रैपर आयल आ गया, ये हो गया आयल। और ये हम डाल लेते हैं पैन में, अंडे कर लेते हैं फ्राई और चाय यहाँ पे डन हो जाती है। नमक भी थोड़ा सा डाल लेते हैं, चस्का चस्का, ठीक है ठीक। अच्छा जी ज़्यादा अंडे और ले आती में से क्या इधर डाल दो। यहाँ पे जी रिहाने खा रही है अंडा बन खा रहे हैं जी। तो मम्मा इसके लिए बना रही बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बंद इतने सॉफ्ट है ना। मुझे पता था कि रेहान के ना थोड़ी सी नीर खराब हो जानी है बंद के ऊपर। हाँ बंद मुझे पसंद है, दो लाई थी। बाकी तो ब्रेड भी लेके आई, यहाँ पे आयल गर्म है और ब्रेड यहाँ पे रख लेते हैं। बिस्मिल्लाह चक्की पक्की वाला खाना वो कच्ची कच्ची। हाँ जी कच्ची पक्की, चक्की पक्की, कच्ची पक्की। मैं तो सोचा होने करती हूँ दो आंखों वाले बना लो हो जाते है ना। हाँ जी। ये तो मैं ही ना मुझे तो तीसरा भी रहने दो रेहान सही है ना। रेहान कहता मम्मा ये नहीं दे, अब ये होते हैं अच्छे से प्यारे से कि हम इसको हल्का सा ना हला लेंगे तो डिश आउट कर देंगे। बहुत यमी यमी लग रहा है, यमी यमी अंडा हो गया है। ये है जी अंडे का फंडा, ये टूट गया ना तो रिहान का मुंह हो जाएगा आप, लेकिन वो मैंने यहाँ करना नहीं है। नहीं टूटा नहीं टूटा, मम्मा का अंडा नहीं टूटा, टूट गया। अरे हाँ मैं अब तो तुझे खाना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक बड़ा बॉयल ही बनाया। चलो खुश है ना। हाँ अच्छा जी यहाँ पे ना थोड़ा सा डाल लेते हैं काले मिर्च, खुशबू बहुत आ रही है। ये है जी मज़ेदार इनका, ये देखो दिल बना हुआ है, देखो दिल दिल, दिल पाकिस्तान। अच्छा जी यहाँ पे जी बच्चों से ब्रेड भी हम यहाँ से सेक लेते हैं और खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है ना जी। अच्छा वैसे ये चिमटा जो है ना मुझे तो ऐसे ही लगता है वैसे ना, हल्का हल्का सा अभी ना सीख वाला है यार जी, तुझे पता है नहीं। अच्छा टेबल पे रखो ना साथ साथ, मैं साथ में चाय भी ले आती हूँ। यहाँ पे जी ब्रेड भी हो गया है प्यारे प्यारे से, ये और बना लेते हैं चाय भी यहाँ पे रख लेते हैं। इसका बॉयल आता है फिर हम इसको कप में डालते हैं, तो कुछ पीस और भी कर लेते हैं फ्राई। नहीं लगी नहीं पटाखा इसके अंदर, अंडा था ना पटाखा चलाता है पटाखा। अब तब तक खाएं, मैं लेके आती हूँ प्यारे बच्चों। यहाँ पे जी
बच्चों की चाय भी ठंड हो गई है, इसके साथ और भी अंडे फ्राई कर लेते हैं। बच्चों की मैं चाय फून लेती हूँ इसलिए कि बच्चे पत्ती नहीं पसंद करते। चले जी, इनकी तो चाय हो गई है डन, अभी इनको वो अंडे फ्राई कर देते हैं। बच्चे इकट्ठे बैठे हो ना तो फिर मज़े के साथ ना इंजॉय कर लेते हैं, मज़े से खा लेते हैं। टेबल बड़ा रख लेते जान आप से ज़्यादा, बच्चों प्यारे बच्चों टेबल बड़ा रख लेते। माँ सदके जाए, बचाओ अपने हाथ। बच्चों यमी यमी हाथ अच्छे कर लो, गर्म गर्म ना लगे। यहाँ पे जी बच्चों का तो माशाल्लाह हो गया है मज़े का खाना, और अब यहाँ पे हीरो साहब हीरो खड़ी खिदमत की पेश करिए। जो तो करेंगे है, देखो फ्रेम में गर्म है। यहाँ डर गया, यहाँ डर गया। तो जी बच्चों के लिए तो हमने माशाल्लाह हो गया, अब मैं जो क्या करती हूँ कुछ करती हूँ। तो जी यहाँ पे बनेंगे मूली वाले परांठे। तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मुझे यही सही लग रहे थे क्योंकि मैं कल लेके आई थी। तो ये मूली छिलदे देखो, जिंदगी से तो शायद ही मूली छिलदे नहीं देखे। वो जो है वो छिलदे ने, वो कहना छिलदे ने प्रोफेशनल खंजे रखे हैं उन्होंने, अब प्रोफेशनल तरीके ना छिल रहे हैं। आ देखो आ छिलका ना बोल देने, अभी और करो रेस्टोरेंट, एक सच्चा फिर रेस्टोरेंट करो तो ही घर करिए। चलो ठीक है, पहले आ जाए तो करो ना। पहले घर तो शुरू होंगे, अगर तुम घर च पास हो गए हो तो रेस्टोरेंट खोल के देंगे। हले तो फिलहाल देखो आस पास पास होने नंबर कितनी अच्छी चली है, अप्रिशिएट करिया करो बस। इसके अंदर धनिया जाएगा और मूली के जो पत्ते हैं अच्छे अच्छे कूले कूले, वो मैंने भी वो मैंने छीन लिए हैं, कटिंग कर ली है। रिस्पांसिबिलिटी मिल गई है अब। वाह जी वाह, रिस्पांसिबिलिटी। बस तुम अपने जो बालों की सेटिंग करवाओ। हंस रहे हैं, मेरी बातों में हंस रहे हैं। ये करना बाद में इसको हम करेंगे ग्रेट करेंगे, और फिर हम इसके बनाएंगे मज़ेदार मसाले डाल के। इसके हम बनाएंगे परांठे, साथ में हम इसके बनाएंगे क्या बनाएंगे आलू गाजर वाले परांठे। नहीं आलू मूली वाले परांठे की रेसिपी होगी। आलू गेट तो आ गया, आलू नहीं मैं पाने मूली वाले परांठे। असली नहीं आलू पाने, असली नहीं कितने के आलू ओला ओला नहीं पाना। आलू वो चीज है जड़ी हर चीज नाल मैच हो हिंदी है। आलू मूली पकाई आज आलू मूली ए की कर दे जेब तो चुम बैठ कर दंदे लेट बह में को रखा हो। मुझे नान चने मैं काम जब नाश्ता करते थे तो बस नान चने मूली साथ में अचार मिर्च का आ गया। सर्दियां याद याद आ गई कसम से, नाश्ते का मजा इतना आता है। कसम से कसम ना खाया कसम से कसम से कसम से कसम से कसम से कसम से अब तुम्हें प्यार करते हैं। काफी लेट आ जाना, असि म्यूजिक पापा तेरा म्यूजिक बोलता अच्छा जी ये देखे जी एक मिनट में यार उल्टा हो गया, क्या हो गया प्रोफेशनल साहब। पहले एक मिनट एक मिनट वॉश करो पहले दोबारा, अरे आना चल बेटा वॉश करके ले आ जाना, चल पुत्र वॉश कर दोबारा मूली गंडा भी कहते हैं, ग्रेट भी कहते हैं। अच्छा मैं क्यों नहीं करती इस तरह, मतलब के आप शुरू से जब भी देखो आप ही करते हैं, मैं क्यों नहीं करती। तुम कैल्शियम की कमी है, नहीं कैल्शियम की कमी काम इसलिए नहीं मुझे करने देते ये हाथ में लग जाए, क्योंकि बड़े नाजुक बड़े नरम नरम हाथ में तो हाथ पतने लग जाए, इसलिए कैल्शियम की कमी। तुम नहीं गल ही करो,
सही है, मज़ेदार बनेंगे पराठे, बड़े मज़ेदार क्रिस्पी क्रिस्पी वाले ना। अभी इनके मुंह में से तो इनके मुंह देखे लग नहीं रहा कि इन्होंने खाने हैं, लेकिन इन्होंने खाने हैं। रेहान की बात मैं मान ही नहीं सकती कि रेहान नहीं खाएगा। रेहान लाजमी टेस्ट करेगा, लाजमी रेहान की आदत है, इसकी आदत है, इसकी आदत है लाजमी। आप दिल करना शुरू हो गया ना, बड़े मज़ेदार बनेंगे यहाँ पे मूली वाले परांठे। मैं इसकी फुल रेसिपी बनाऊंगी। मम्मा बनाने वाली है परांठा, खाना है आराम से बैठे, चेयर तो सीधी कर लेनी थी, नहीं करनी। यहाँ पे हीरो साहब क्या कर रहे हैं, बताऊँ आपको हीरो साहब क्या कर रहे हैं। माया वाजी वाह, परांठा बनाने की तैयारी है, परांठा बनाने की। कैसे काम वाले अच्छे से मिक्स कर दिया इसको मूली को, वाह। हीरो हो तो आप जैसा हो यार, हीरो शुरू ना क्या कर, हीरो बनना है, हीरो हो तो कामरान जैसा हो, नहीं तो ना हो। तू बस तू मनु आहे क्या कर, हीरो बस सबके जावा, मैं वारी जावा, मैं किते किते जावा। मैं कह रही हूं मनु मजेदार परांठा बना के खाओ, अचार दे नाल, दे दही दे नाल, नाल चाह दे नाल, नाल कादे कादे नाल। प्रेम पत्र के पन्नों पर अपनी किस्मत तो जीरो है, तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, तेरी प्रेम कहानी मेरी प्रेम कहानी। तू हीरो है, मेरी हीरो ही है। आ जा रही है, बनाओ बनाओ जल्दी करो, बड़ा भूख लगी है। चलो भूख लगी तो जी फ्रेंड, यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ परांठा, उसके से बना रहे थे रेसिपी। तो यहाँ पे कामर साहब धो रहे हैं बर्तन, और फिर तुम तो आराम से पूरा बर्तन धो के बैठ जाओ, मैं तुम्हें पराठा खिलाऊंगी। फिर पिछले रह गई यार, तवा मैं माज दिता, मूली कंडे मैं कर दिता, मसाले मसूले मैं लाए, बर्तन मैं धो दिते, तू की करना है। आज कामर तवा धो लाया, मैंने बड़ा ही मांजा, बड़ा ही मांजा, मांज मांज के चिट्टा कर दिया मेरा तवा, कितना सारा ग्रीस लगी हुई, कितना कम हो गया हुआ था ना यहाँ से ना सारा जल। सही गल दसा मुनू ना, मुनू अज मेनू ना एक मिले फैन, उन्होंने मैनू पता की क्या, मैंने कहा कामरान यार वैसे देखन दे विच ते तू अज वीडियो च काला लगना, अज तू बड़ा चिट्टा है यार, क्या ऐसा दी कशिश है रस्ता। अब आसमान दसे ही नहीं, बहुत कशिश है बहुत, मैं दसा नहीं आसमान, मैं नहीं खुश नहीं तो खुशी के मारे मैं दसा नहीं, मैं लुका के रखा है गल पहले तो हमने ना कामरे को पहचाना नहीं है, जब आसपास देखी ना मैं अच्छा, 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 वो पल्लव वाली आसपास, फिर उनको पता चला कहती वो आसपास कामरान, जब मुझे देखा ना कहती वो ही कामरान भाई है जो आसपास है ना उनके हस्बैंड, फिर पता चला मुझे पहचान लेते हैं जल्दी जल्दी, कामरा को नहीं पहचानते जल्दी, कामरा को पहचानते हैं जब मैं साथ हूँ। पता क्यों पहचानते हैं मनु ऐसा, वो कहते हैं मुंह वाले बिथे लगते मेरी जान सारे पहचान लेते हैं। नहीं नहीं कोई गल नहीं, तुम रोटी खानी है या नहीं खानी, परोठा छोटा खाना या नहीं, मैं बैठ के खाऊंगा बस जल्दी चलो, फिर दो चार पता गला काट के काम करो, पत्थर की गोली ना टूट जाए मेरे को, कितने पत्थर की गोली नहीं टूटनी चाहिए, यह भावे छोड़ छोड़ जाए, चलो कोई गल नहीं, छूट तो है ना कुछ ना कुछ, हाँ पत्थर ही मेरे व्याह की गुस्सा जड़े ना है ना, तो ऐवी कुछ टूट भी सकता है, कोई मेरे को काम बहुत है जिसका लिया, ऐ टूट जाए वो ना टूटे, ऐ ना टूट जाए, ऐ ना टूट जाए, ऐ ना टूट जाए, ऐ टूट जाए, टूटे क्यों टुटे ही क्यों मेरे मेरे चीज, मैं चीज टुटे ही ना, पानी क्यों बैठा करो बिच जानो पानी खेडा भी तो करी दी नाल बर्तन धोने नाल, अच्छा जबरदस्त मैं तुम्हें सिंक लवा के दिता है तुम्हें होर भी मैं इन्ना रियात भी लगता से मैं महंगा लवाया, मैं नहीं नहीं जाने बर्तन धोने सोहना लगे, बर्तन धोना सोहना लगे है की गल भला, देखो सोहना लगन दिया खोता है, देखो ना देखो सोहना लगन दिया खोता है, तुम कग दस सोना लगने है। मुहब्बत है ये मुहब्बत है, ये सिंक बड़ा अच्छा है, देखिए इसके अंदर ना एक टोकरी है तो इसके अंदर आ जाता है कचरा छोटी सी बास्केट, इसको हम निकाल लेंगे, ये देखिए मुहब्बत है, अनवी सर नंबर पता है।
वाह जी वाह फ्रेंड, यहाँ पे ना कामरा साहब तो ये है रेसिपी मैंने बनाई है, और यहाँ पे जी कामरा साहब चाय, अचार, साथ में परांठा, किसके साथ खा रहे हैं? दही के साथ, अचार के साथ, रोल बना के। बहुत मजेदार यार है आसफा, बहुत मजेदार। हाँ हाँ हाँ, चाय के साथ डोबी शोबी लगा के। हाय हाय हाय, यहाँ पे ना मजेदार पराठा जी कामरा ने तो किया है टेस्ट, मैं करती हूँ। वाह जी वाह, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आसफा को बर्दाश्त किया कामरा कला कला रेसिपी दे विच है कला कला खाए। मैं ब्लॉग में खाती हूँ, मैं अभी फैमिली को बताती हूँ कितने मजेदार पराठे जो मैंने तैयार किए हैं। और सबसे पहले मेरा ये पराठा है मेरा दही वाला, जो मैं दही लेके आई हूं, दही नाल बहुत मजा आया, अचार भी चाय नाल तिना नाल मैं टेस्ट किया, बहुत मजे का, बहुत मजे का। वाह जी वाह, दही अपने ते सुटी जा रही है। और मैं चाय साथ खाती हूँ, दही नाल भी मजा, चाय नाल भी मजा, अचार नाल भी बहुत मजा यार। ऐसे ऐसे राजे राजे खांदे बिल्लियां बिल्लियां झांकदियां। मैं किसके साथ हूं? नहीं साथ, बस बहुत ज्यादा दही दही भी बड़ा मजेदार, दही के साथ खाओ भी मजा आएगा। अब आप बैठो तो मैं गरम गरम पराठे बनाऊं, बनाओ खाऊं, आपको भी खिलाऊं। यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ पराठे, मैंने बनाया था, मैं काफ़ी लोगों को बोलो कि आप टेस्ट करो, गर्म इसका मज़ा आता है, गर्म गर्म ठंडा हो जाएगा तो भी पराठे का मज़ा नहीं आएगा। बस इसकी आपने रेसिपी भी देखनी है जिस तरीके में मैंने बनाया है, इसके मैंने क्या क्या डाला है, क्या क्या चीज़ें डाली हैं, वो आपको मेरी रेसिपी में पता चल जाएगा। तो इसी तरह से मैं इसको बना रही हूँ मज़ेदार सा। यहाँ पे जी इसके ऊपर डाल देते हैं पराठा, हाथ में लगे खीर दिल में आने, इसको हम अभी नहीं पलटाएंगे, इसलिए नहीं पलटाएंगे, थोड़ी देर के बाद। ज़रा ये देखिए जी, गर्मा गर्म पराठा हमारा हो गया है रेडी, अब हम खाते हैं इसको, करते हैं इंजॉय यहाँ पे बैठ के जी। पराठे शराठे सी गया खा, ते आसफा जी ने अब मेरे लिए फिंगर बना, एक आसफा दा एक मेरा एक रिहान दा, या आसफा अंसान चीनी पा के देंगे। तो जी साढ़े घर एक ही बंदा फीडर पीने वाला, तो तीन तीन फीडर ओद ही है जी। मैं डाल देती हूँ, फिर उठ उठ के पीता रहता है बच्चा। हाँ बच्चा बहुत प्यारा है, और आपकी फेवरेट है, आपका पसंद का बच्चा है। आज वो लोग एंड नहीं होना देखो, मुझे क्या सो गया, कहते मामा मैं सोने वाला हूँ, मुझे पता है आपने लेट हो जाना है, तो मुझे नींद आ रही है, तो मेरा ना जो भी चीज़ें ना मेरी फिर देना। तो चाय बन गई है, हम चाय आसपास नहीं मैं पीनी है, तो चलो जी चाय पी के मिलने। यहाँ पे जी हमारी चाय होगी रेडी, हीरो साहब वहाँ पे बैठे हैं आराम स्कूल से बैठ के चाय पी रहे हैं, और यहाँ पे मैं पढ़ी हूँ कमेंट्स। अगर अहमद आसिफ का कमेंट आया है कि आपने फिश और मसाले लगाए हैं, वो आपने दिखाया नहीं जनाब, वो जो आसफा कुकिंग रेसिपीज़ है, तो वहाँ पे मैंने उसकी फुल रेसिपी दी हुई है, आप वहाँ पर जाके देखें, और एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, काफ़ी मज़े मज़े की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, मुझे बताएँ ये आपको रेसिपी कैसी लगी। बाकी सुबह अल्लाह पाक आपकी जो भी परेशानी है अल्लाह पाक दूर करे। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं और आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ना परेशान हुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा, अल्लाह पाक आपकी जो भी परेशानी है वो दूर करे, आमीन। तो जी फ्रेंड, यहाँ पर जी देसी किचन यूके से है जी मेरी प्यारी बहन कह रही है, माशाल्लाह प्यारी फैमिली, नाइस फैमिली, थैंक यू मेरी प्यारी बहन, अल्लाह पाक आपको खुश आबाद रखे। और इब्राहिम खान, थैंक यू, लव यू बेटा, आपके प्यार का और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अब मुझे पता नहीं है कि बेटी है या बेटा है, तो अल्लाह पाक आपके नसीब बच्चे करे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता और मुस्कुराता रखे। प्लीज़ जो मुझे कमेंट्स करते हैं यूज़र नेम से अपना नाम भी बताया करें, ताकि मैं आपका नाम भी ले सकूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा, और आपको भी अपना कमेंट्स जब मैं पढ़ूंगी, मुझे करेंगे तो मैं पढ़ूंगी, आपको भी अच्छा लगेगा।
यहाँ पे कमेंट्स है जी, अदीला आसिम का कमेंट है जी, उन्होंने बोला जी आइडियल कपल, मेरी भी ख्वाहिश है कि हमारा भी कपल इस तरह का हो जो आमीन जी इंशाल्लाह इसी तरह का होगा, इससे हमारे से भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में हर खुशी लाए, आमीन। और मेरी प्यारी अतिया शहजादी कह रही है कि जब आप मेकअप करती हैं तो उसका भी व्लॉग बनाया करें, अगर मैं उसका व्लॉग बनाने बैठ गई ना, मतलब कि छोटी छोटी और भी बड़े काम होते हैं घर के, तो मेरा व्लॉग जो है ना 3 घंटे का बनेगा। फिर आपने कहना कि कितने काम करती है अपनी, आप थकती नहीं है, तो फिर बड़ा लंबा व्लॉग बन जाएगा। इसलिए मैं ना दो ना जल्दी जल्दी से उठ के फ्रेश होती हूँ, मेंटेन करती हूँ, खुशी होती है जल्दी से व्लॉग स्टार्ट करें और मैं सलून में चली जाऊँ। इब्राहिम मुगल थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके प्यार का और मोहब्बत का, माशाल्लाह बड़े बड़े प्यारे कमेंट्स हैं, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता और मुस्कुराता रखे। इंशाल्लाह जो कमेंट्स रह गए इंशाल्लाह सुबह पढ़ लेंगे, काफ़ी टाइम हो गया है और यहाँ मेरा सामान सो गया जो मेरे वो लोग कैंड करता है मेरा काका, तो इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे नई गुड मॉर्निंग के साथ, नए वो लोग के साथ। तो मैं चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, बाय, दुआ में याद रखिएगा।